मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हो रही लगातार बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मुंबई के कुर्ला, सायन, दादर, चेंबूर, वडाला में भी कई जगह जलजमाव की सूचना है। सड़कें तालाब बन गई हैं, अंडरपास और सबवे में भी पानी भर गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक मुंबई में शुक्रवार तक बारिश के आसार हैं। NDRF की 5 टीमों को रेस्क्यू के लिए उतारा गया है और पिछले 24 घंटे में मुंबई में 95.81 mm बारिश दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, बीड, लातूर, जालना, परभणी और कई क्षेत्रों के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पंचशील नगर के घाटकोपर में भारी बारिश के बीच भूस्खलन की घटना सामने आई है। मुंबई फायर ब्रिगेड ने बताया है कि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। अब तक किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि बेस्ट के PRO ने बताया है कि मुंबई में लगातार हो रही बारिश होने की वजह से जल जमाव को देखते हुए सायन रोड नंबर 24, चेल कॉलोनी और चेंबूर में कुल 8 रूट डाइवर्ट किए गए हैं। वहीं मुंबई और ठाणे के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। शुक्रवार तक मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया है।